Hello dear students, how are you? I hope that you will be fine at home. Now we continue our subject science class 6 chapter 4th sorting materials into groups. Last videos में हमने आपको basis of the classification study करवाए थे, जिसमें हमने आपको different properties बताई थी material की. अब now let us start. Transparency behavior towards light. Transparency behavior light की ओर. Different materials allow different amounts of light to pass through them depending on a property called transparency. विभिन्न प्रकार के मटेरियल अपने से भी अमाउंट में लाइट को पास होने देते हैं, जो डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टी पे, जिसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. बेस्ड ऑन दिस मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक. इस आधार पर मटेरियल्स को क्लासिफाइज किया जाता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट पारभासी एंड ओपेक अपारदर्शी. द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. वे मटेरियल्स जो अपने में से लाइट को पास होने देते उन्हें बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स यानी पारदर्शी मटेरियल्स. ग्लास, वाटर, एल्कोहल एक्सेट्रा आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ग्लास, वाटर, एल्कोहल आदि ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं. नेक्स्ट, materials which allow only a part of light to pass through them are called translucent materials. materials जो अपने में से खाली एक part light के एक part को pass होने देते उन्हें बोलते translucent materials. butter paper, frosted glass etc are translucent materials. butter paper or frosted glass आदि translucent materials के example है. okay, next, the materials which do not allow light to pass through them are called opaque materials. जो material अपने में से light को pass नहीं होने देते उन्हें opaque materials यानी अपारदर्शी materials कहते हैं. wood, cardboard, metals etc are opaque materials. wood, cardboard, metals आदि opaque materials हैं. okay, अब next property 8th number की magnetic and non-magnetic materials. materials that are attracted towards a magnet are called magnetic substances. materials जो magnet की ओर attract होते उन्हें बोलते हैं magnetic substances यानी चुंबकीय पदार्थ. these properties called magnetism. इस property को बोलते हैं magnetism. object made of iron are attracted to a magnet. object जो iron के बने होते हैं वो magnet की ओर attract होते हैं. in addition to iron, nickel and cobalt आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. इसमें आयरन, निकिल और कोबाल्ट भी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं. दे आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं. अदर मटेरियल सच इज कॉपर, वुड, पेपर एक्सेट्रा आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट. दूसरे मटेरियल जैसे कॉपर, वुड, पेपर ये आदि मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इन मटेरियल्स को बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ हीट. इफ यू हैव नोटिस दैट यूटेंसिल इन योर किचन यू माइट हैव सीन दैट दे आर मेड ऑफ मेटल्स बट देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक. आपने नोटिस किया होगा कि जो बर्तन होते हैं आपके किचन में उनको आपने देखा होगा कि वे बने होते मेटल से, लेकिन जो उनके हैंडल होते हैं वे वुड और प्लास्टिक के बने होते. व्हाई आर द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक. क्यों बने होते हैंडल यूटेंसिल्स के हैंडल वुड और प्लास्टिक के. दिस इज बिकॉज मेटल्स अलाउ कंडक्शन ऑफ हीट वेयर एज मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट. देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने में से हीट को पास होने देते हैं, जबकि मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक और वुड अपने में से हीट को प्रभावित नहीं होने देते. ओके, इफ वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड द हैंडल्स विथ बेयर हैंड्स इफ दे आर मेड ऑफ मेटल्स. ये कठिन होता है हैंडल्स को पकड़ना खाली हाथों से यदि वे मेटल के बने हों. materials that allow heat to flow through them are called conduction of heat. materials जो अपने में से heat को प्रभावित होने देते हैं वो कहलाते हैं conductors of heat. whereas those that do not allow heat to flow through them are called insulators of heat. जबकि वे materials जो अपने में से heat को प्रभावित नहीं होने देते उन्हें बोलते हैं insulators of heat यानी heat के कुचालक. okay,
Generally, all metals are conductors of heat, whereas non-metals like plastic, glass, wood, etc. are insulators of heat. सामान्यतः सभी metals heat के conductors होते हैं, यानी सुचालक होते हैं, जबकि non-metals जैसे कि plastic, glass, wood आदि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं. Okay? Next property, conduction of electricity. Electricity is our need. Electricity यानी विद्युत हमारी जरूरत है. We use electricity in homes, offices, factories and schools. हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का घर में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में और स्कूल्स में. इट इज सप्लाइड टू अस थ्रू केबल्स एंड वायर्स. इसकी सप्लाई होती है केबल और वायर के द्वारा हमारे तक. दीज केबल्स एंड वायर्स आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम और कॉपर. ये जो केबल्स और वायर्स होते हैं ये एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं. दिस इज बिकॉज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देते हैं. दीज केबल्स जनरली हैव ए प्लास्टिक कवरिंग. इन केबल्स पे सामान्यतः प्लास्टिक की कवरिंग होती है. दिस इज डन टू सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षित रहें. बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. क्योंकि प्लास्टिक अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती. ओके. द सबस्टेंसेज विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो सबस्टेंस अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने देते उन्हें बोलते कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड द सबस्टेंस विच डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वे मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं होने देते वे कहलाते इंसुलेटर्स यानी कुचालक और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. मेटल्स सम एलाउस एसिड्स एंड एल्काइंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स और कुछ एलाउस जैसे एसिड और एल्काइंस ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. वियर इज पेपर, रबर, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जबकि पेपर, रबर, प्लास्टिक ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ओके.